आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्तों के विरुद्ध विशेष टीम बनाकर की जा रही गिरफ्तारियां जैसे बड़े अभियान की जानकारी दी। आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार श्री जितेंद्र सिंह गंगवार को। इधर हाल के दिनों में हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें कि पुलिस की अभिरक्षा से फरार यानी कि जो पुलिस की कस्टडी से अभियुक्त भाग जाते हैं ऐसे अभियुक्तों को फिर से गिरफ्तार करना, ये महाअभियान चल रहा है हमारा। और इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है और एसटीएफ को भी लगाया है, जिला पुलिस की जो विशेष टीम है वो भी कार्रवाई करती है। मुख्य रूप से एसटीएफ की विभिन्न टुकड़ियाँ विभिन्न जगहों में काम कर रही है और उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में आंकड़े हैं 6 फरवरी से लेकर के 20 मई तक हम लोगों ने 16 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो पुलिस की कस्टडी से भाग गए। इसमें बहुत सारे अपराधकर्मी हैं। इसमें सबसे जो अभी हाल का अभियुक्त है वो है 20 मई को जो बिहार एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त छापामारी में पुलिस की अभिरक्षा से फरार अभियुक्त जो था मेहरे आलम, उस पिता महमूद आलम, उसको दरभंगा से गिरफ्तार किया। तो ये उस अभिरक्षा से भागा हुआ कैदी था जिसके क्रम में नगर मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 612/13 2013 में दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस की टीम लगी और उसने गिरफ्तार किया। ये जो अभिरक्षा से फरार अभियुक्त हैं उनका कुछ का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है, कुछ 6 अभियुक्तों का। 5 अप्रैल को पटना जिला के कुख्यात कस्टडी से फरार अपराधकर्मी मंजीत कुमार उर्फ बाबा, जो नदी थाना फतुआ का अपराधकर्मी है, उसको हमने 0 मई से छापामारी कर गिरफ्तार किया था। यह 13 फरवरी 2022 को दीदारगंज थाना क्षेत्र से पुलिस कस्टडी से फरार है, इसको हमने गिरफ्तार किया। इसी तरह से 3 अगस्त 2004 को फरार हो गया था एक अपराधकर्मी महादेव को, और यह हिलसा नालंदा का रहने वाला अपराधकर्मी 2004 में फरार हुआ। तो इसके बाद में ये बीरभौर थाना क्षेत्र में आया था इसको इलाज कराने के लिए और वहां से फरार हो गया था। 2004 से लगातार फरार था। जो स्पेशल टीम हमने बनाई है उसमें इसको 9 अप्रैल 2023 को इसको हमने गिरफ्तार किया। इसी तरह से गया जिला के पुलिस अभिरक्षा से एक अपराधकर्मी था दीपक उर्फ रोहित, यह 5 अक्टूबर 2020 को फरार हुआ, इसको भी हमने विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। 2014 से फरार अपराधकर्मी था मोहम्मद फिरोज, मुजफ्फरपुर जिले का काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और सेंट्रल बैंक के पीछे इसका घर, इसको हम लोगों ने अभी हाल में 5 मई 2023 को गिरफ्तार किया। इसी तरह से आपको 2019 में पीरबहोर पटना का एक केस दर्ज हुआ, उसमें वांछित अपराधकर्मी शिवनाथ राय को जो वैशाली है उसको हमने 19 मई को गिरफ्तार किया और ये वर्ष 2019 में ये फरार हुआ। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने नए तरीके से अपराधकर्मियों की लिस्टिंग की है, जो पुलिस अभिरक्षा से फरार और कई दिनों से पुलिस की नजरों से बच रहे अपराधकर्मी हैं उनके लिए विशेष टीम का गठन किया है, उसके नतीजे आपके सामने हैं। और उसी क्रम में मेहरे आलम की भी गिरफ्तारी हुई है जो दरभंगा से।